बाड़ौदा रोड स्थित गुर्जर गांवड़ी पेट्रोल पंप के सामने जीप और बाइक में आपस में टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार युवक गोविंद जाट राडेव तो वहीं जीप में बैठे रामप्रसाद गुर्जर चोंडपुर की जिला चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मीडिया से चर्चा में देहात थाना TI गौरव शर्मा ने बताया कि कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। जैसे कि जानकारी मिली, तुरंत पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। इसमें बाइक सवार गोविंद जाट तो वहीं जीप में बैठे रामप्रसाद गुर्जर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला पंजीकरण कर लिया गया है, जांच में जैसा आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, आज सुबह सुबह ही एक जबरदस्त दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया और बताया जा रहा है कि इसमें दो लोगों की मौत हो गई, क्या किस प्रकार से मामला है? सुबह 8 बजे हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी मिली थी कि गुर्जर गांवड़ी के सामने पेट्रोल पंप के पास में एक बुलेरो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था जी। तो जिसकी सूचना पर से हमने तत्काल फोर्स को रवाना किया, तो घटनास्थल पर जाकर देखा तो जो बाइक सवार जी जिसकी पहचान गोविंद जाट निवासी राड़े के तौर पर हुई थी, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा वापस लौट रहा था जी। इतनी में ही शोको तरफ से आ रही बुलेरो जिसमें 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे लापरवाही पूर्वक चलाते हुए है और उसने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और खुद बुलेरो भी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। पुलिस बल ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 2 व्यक्तियों को उन्होंने मामला घोषित कर दिया है। दोनों व्यक्तियों को PM करा दिए गए और प्रकरण पंजीकृत। बने रहिए समर्थ सहारा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।